हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम असम राज्य के मानस राष्ट्रीय उद्यान, उसके इतिहास, प्राकृतिक इतिहास, भूगोल और उसके सुंदरता पर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मानस राष्ट्रीय उद्यान या मानस अभयारण्य वन्यजीव भारत के असम राज्य में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह अभयारण्य यूनेस्को द्वारा घोषित एक प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल, बाघ के आरक्षित परियोजना, हाथियों के आरक्षित क्षेत्र, एक आरक्षित जीव मंडल है। हिमालय की तलहटी में स्थित ये उद्यान भूटान के रॉयल मानस नेशनल पार्क के निकट है। ये पार्क अपने दुर्लभ और लुप्तप्राय स्थानिक वन्य जीव के लिए जाना जाता है, जैसे असम छत वाले कछुए, हेपिट खरगोश, गोल्डन लंगूर, मानस जंगली भैंसों की आबादी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ एक सिंघा गेंडा और 12 सिंघा के लिए विशेष रूप से पाए जाते हैं। ये भूटान के करीब बोरो क्षेत्रीय परिषद के देखरेख में 940 वर्ग किलोमीटर से भी बड़े इलाके में फैला हुआ है। अब बात करते हैं मानस नाम की उत्पत्ति पर। इस पार्क का नाम मानस नदी के नाम पर रखा गया है। मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, जो इस राष्ट्रीय उद्यान के मुख्य केंद्र से होकर गुजरती है। आगे मानस नेशनल पार्क के कुछ इतिहास पर नज़र डालते हैं। 1 अक्टूबर 1928 को 360 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के साथ मानस नेशनल पार्क को अभयारण्य घोषित किया गया था। मानस बायो रिजर्व की स्थापना 1973 में बनाया गया था। अभयारण्य की घोषणा से पहले ये एक आरक्षित वन्य था, जिसे मानस आरएफ और उत्तर कामरूप आरएफ के नाम से जाना जाता था। इसका प्रयोग कोच बिहार का शाही परिवार और गोरीपुर के राजा शिकार के लिए आरक्षित रूप में करते थे। 1951 और 1955 में क्षेत्र को बढ़ाकर 391 वर्ग किलोमीटर कर दिया गया। ये यूनेस्को द्वारा दिसंबर 1985 में एक विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। आगे बात करते हैं पार्क के भूगोल पर। इस पार्क को 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है। इसकी पश्चिमी सीमा पानबाड़ी, केंद्रीय सीमा बरपेटा रोड के पास बांसबाड़ी और पाठशाला के निकट हियापुर में पूर्वी सीमा स्थित है। ये श्रेणियां आपस में अच्छी तरह से जुड़े नहीं हैं। मानस नेशनल पार्क के प्राकृतिक इतिहास। मानस में 2 प्रमुख जैव वातावरण मौजूद है। नंबर 1 चारागाह बायोम, पिग्मी होप, भारतीय गेंडे, जंगली भैंस इत्यादि। दूसरे नंबर पर वन बायोम, धीमी चलने वाली लोरी, टोपी वाला लंगूर, जंगली सुअर, सांबर, महान हॉर्नबिल आदि। अगर आप मानस राष्ट्रीय उद्यान का विजिट करना चाहते हैं तो सबसे निकट रेलवे स्टेशन बरपेटा रोड से या फिर बस द्वारा भी पहुंच सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर लाइक कर दीजिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।